हेलो डिफेंस वेलकम टू माई चैनल जैसे लेडी सुपरवाइजर के यहाँ फिलहाल जो है डॉकूमेंट्स के बारे में बात करने वाले कि आप लोगों का क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है रिजल्ट के आने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो वेरिफिकेशन के टाइम में मांगा जाएगा क्योंकि देखो अभी फिलहाल कुछ आप लोगों का हो नहीं रहा है यहाँ पर रिजल्ट आ नहीं रहा आप यहाँ पर प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट ही देखोगे एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले करना क्या आप लोगों को देखो अभी तो रिज़ल्ट इतना तो कन्फर्म है कि नहीं आएगा आज चार सहायता लगा हुआ प्लस एलेक्षन है प्लस इलेक्शन है इलेक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा तो अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है अब देखोगे तो टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा है ठीक है अब जब रिजल्ट आप लोग का जब आएगा क्योंकि प्रोसेस अभी यहाँ पर कुछ कंप्लीट किया नहीं जा रहा है जब एक एक कंप्लीट करना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा ठीक है वहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो फिर आप लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा इसीलिए मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को नेसेसरी वहाँ मांगा जाएगा वेरीफिकेशन के टाइम जिनका भी सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा दिन कहीं बस की मत करना एंड वीडियो को पूरा शेयर भी करना कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जिनका भी होगा रिजल्ट आने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट ये मांगा जाएगा वो यहाँ पर देख लेंगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा तो देखो फिलहाल होता है क्या है? यहाँ पर देखो जब रिजल्ट आता है तब जो कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन होता है वो जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं फिर वहाँ पर दिक्कत होता है वहाँ पर जो सिलेक्शन जो होने के बावजूद जो है वहाँ पर जो स्टूडेंट जो है सलेक्ट नहीं हो पाते हैं डॉकूमेंट कारण भी वेरीफिकेशन के टाइम में अब डॉक्यूमेंट जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम तो आप डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए जाओगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उस टाइम क्या चांसेस है कि आपका जो है उसी टाइम में सब कुछ आपका फाइनल कर दिया जाएगा हो सकता है आपका नहीं मिला कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए उसमें कुछ आप लोग का वहाँ पर जो है नाम वगैरह में मिस्टेक्स रहे बहुत सारा होता है कैंडिडेट्स का कि नाम में मिस्टेक रहता है ठीक है सर्टिफिकेट में भी तो वहाँ पर उसको सुधरवाने के लिए टाइम लगता है इसीलिए टाइम अभी है अभी ये सब काम कर लो तो नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाद में अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट करेंगे बोलेंगे सर रिजल्ट आया नहीं आप डॉक्यूमेंट के यहाँ बात बता रहे हो तो जिसको देखना है देखो नहीं देखना है तो फिर क्या बोलूँ मैं मैं आप लोग के लिए यहाँ पर जो पहले यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी होता है ठीक है डॉक्यूमेंट जो बहुत नेसेसरी होता है आपके एग्जाम्स के यहाँ पर जो वेरीफिकेशन के टाइम के लिए अब अभी देखो यहाँ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है ठीक है अब एक भी कुछ अपडेट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में ही दिया ही नहीं जा रहा है तो मतलब सीधा साफ है कि आचार संहिता लगा हुआ इसी कारण आप लोगों का कुछ अपडेट दिया नहीं जा रहा है तो चांसेस है कि तेईस नवंबर के बाद से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा अगर प्रोसेस यहाँ फास्ट रहा फिर नया सरकार आएगा कुछ भी हो सकता है प्रोसेस अगर फास्ट रहा तो फिर आप लोग को वहाँ पर जो है दिक्कत होगा ठीक है प्रोसेस अगर फास्ट रहा अगर आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं रखा पहले से तो बहुत दिक्कत होगा इसलिए बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना अब यहाँ पर देखो क्या क्या अनसेसरियाँ मांगा जा रहा है देखो परीक्षा हेतु तो निर्गत प्रवेश पत्र आपने जो एग्ज़ाम यहाँ पर दिया उसका एडमिट कार्ड आप सुरक्षित रखना ठीक है ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड आप एग्जाम दिए एडमिट कार्ड जो है सही से नहीं रखे एडमिट कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको रखना है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र क्या क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप लोग का मैट्रिक का यहाँ पर इंटरमीडिएट का एंड स्नातक का यहाँ पर देख सकते हो तो अंक पत्र सहित एक सर्टिफिकेट मिलता है ठीक है अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता है यहाँ पर नहीं होगा कि सर्टिफिकेट क्या होता है एक सर्टिफिकेट आप लोग का रहता है जो है प्रमाण पत्र वो आप लोग का जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिलता है लंबा सा रहता है ठीक है उसको जरूर निकलवा लेना जो अभी तक नहीं निकलवाए इससे पहले वाले वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप लोग को उसी टाइम बोल दिया था अगर कोई नहीं निकलवाए तो अभी भी टाइम निकलवा लो रिजल्ट आएगा प्रोसेस अगर फास्ट कर दिया जैसे यहाँ पर जेसे सी की तरफ से तो फिर आप लोग को वहाँ पर जो है दिक्कत होगा क्योंकि फिलहाल देखो तो प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है अगर फास्ट हो जाए सब कुछ अगर दिसंबर में आप लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाए तो फिर टाइम नहीं बचेगा इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब तैयार रखना अब यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट और यहाँ पर मार्कशीट आप लोग को मांगा जाएगा नेसेसरी कि दो ही चीज़ मांगा जाता है एडमिट कार्ड तो नहीं मांगा जाता है अगर है तो लेते जाना कोई दिक्कत नहीं है नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अंक पत्र आने की मार्क्सीट और यहाँ पर सर्टिफिकेट टेंथ का फिर इंटरमीडिएट वक्त का देखोगे तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट और मार्क्सीट स्नातक का मार्कशीट तो सर्टिफिकेट फिर स्नोद डिप्लोमा आदि लागू हो तो ये सब जो है दूसरे के लिए ठीक है ये सब जो है ये मैं दिखा रहा हूँ इसका फिलहाल आपका नगर पालिका का लेकिन प्रोसेस अब सेम रहेगा ऐसा ही टाइप का सब यहाँ पर रहता है ग्रेजुएशन तक आपका सेम मांगा जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर देखो आरक्षण संबंधी स्थानीय संबंधी प्रमाण पत्र अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि सी लेवल का चाहिए एच डी लेवल का चाहिए तो वैसा फ़िलहाल देखोगे तो सी लेवल का भी चल जाता है ठीक है स्टेट में तो चलना चाहिए इसके लिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन मेरे हिसाब से सी लेवल तक का भी यहाँ पर चलता है अब जाति आय संपत्ति प्रमाण पत्र ये होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी कास्ट से यहाँ फॉर्म फिलअप की हो अगर आरक्षण का आप दावा कर रहे हो तो आरक्षण का दावा कर रहे हो मतलब आपका सर्टिफिकेट वेसरी कि आपको देखाना ही पड़ेगा नहीं तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा अगर जनरल का कट ऑफ हाई रहेगा तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होगा ठीक है जाति आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो है ये आप लोग का यहाँ पर जो यहाँ पर ओ कैंडिडेट्स हैं एस सी एस टी हैं ई हैं आप लोग को ये सब दिखाना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट जो जनरल से फॉर्म फिलअप किए हैं उसके लिए सब नहीं है वो सिर्फ वहाँ पर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपना दिखाएंगे स्थानीयता प्रमाण पत्र से तो यहाँ पर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है आप लोग को दिखाना है अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डेट ठीक है कौन सा डेट तो जनरली देखा जाए तो जो फॉर्म फिलअप किए आप ठीक है जब आप लेडी सुपरवाइज़र का फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम का ही आपका मांगा जाएगा यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र हो या फिर स्थानीयता प्रमाण पत्र यानी कि ये जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो आपका उसी टाइम का ही मांगा जाता है अधिकतर केसेस में मैंने देखा है सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल हो आपका जो सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा कास्ट से या फिर जो है रेसिडेंशियल से रेसिडेंशियल तो आपका चल जाएगा ठीक है रेसिडेंशियल में दिक्कत नहीं है आपका अगर यहाँ पर जो अठारह के बाद से है तो कोई दिक्कत नहीं है पर चल जाएगा

सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा भूतपूर्व सैनिक होने होने से संबंधित प्रमाण पत्र है तो उसको दिखाना पड़ेगा अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ये आप लोग को वहाँ पर शो करना पड़ेगा ठीक है तो पूरा मैंने डिटेल दिखा दिया समझा दिया आप लोग को वीडियो को बनाने का बार बोल रहा हूँ मेन मकसद यही है कि आप लोगों को पहले यहाँ पर प्री प्लान तैयार करवा दूँ क्योंकि वेरिफिकेशन जब होगा आप लोग का टाइम नहीं दिया जाएगा बारह बोल रहा हूँ अगर प्रोसेस फास्ट रहा तो नहीं तो फिर स्लो रहेगा तो फिर उसका बात ही अलग है उसका फिर कोई बात नहीं करेंगे स्लो तो आप जो जानते हो कि क्या स्लो रहता है कितना उसमें टाइम लगता है लेकिन अगर फास्ट रहा जेस एस सी के तरफ से अगर सब कुछ जो है यहाँ फास्ट कर दिया जाए तो दिसंबर में ज्वाइनिंग आप लोग का हो सकता है उसी टाइम आप लोग का वेरीफिकेशन भी होगा इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोग को दिखाया यही सब मांगा जाएगा क्योंकि फॉर्मेट यही है आप कोई भी एग्ज़ाम्स का देख लो फॉर्मेट इसी तरह का सबका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफ़िकेशन का टाइम मांगा जाता है ठीक है अब जो ऑफिशियली आएगा तो मैं उस टाइम भी आप लोग को दिखा दूंगा ऐसा नहीं कि ये आप लोग का जो पहले दिखा रहा है यही दिखाऊंगा ऑफिशियली जब आएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा क्या क्या वहाँ पर मांगा जाता है तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैट्रिक का बोले मैंने सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट देखो स्कूल और कॉलेज में मिलता है ठीक है आप वहाँ पर बोलोगे पासिंग ईयर बताओगे आपने कि कौन सा साल में आपने पास किया है वहाँ पर जो भी वहाँ पर जो है कलर्क रहा था उसको आप बोलोगे वो आपको निकाल कर दे देगा वहाँ पर सब कुछ मैच करवा लेना ठीक है देखो मैच नहीं होगा सबकी वेरीफिकेशन क्या होता है कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ऐसा नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट देखे हाँ ये डॉक्यूमेंट आपके पास है वैसा नहीं है वो तो कंपलसरी है तो मैंडेटरी रहता है फर्स्ट टाइम आप लोग का प्रेफरेंस में दिया जाएगा कि हाँ आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके बाद जो वेरीफिकेशन करेगा उसमें आप लोग का सब सब वहाँ पर जो नाम रहेगा आपका नाम रहेगा फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ ये सब मैच करना बहुत जरूरी है ठीक है आधार नंबर वगैरह जो रहता है वह मैच करना पड़ता है एक आधार कार्ड का फोटो कापी भी आप लोग साथ में रखना क्योंकि आधार कार्ड मोस्ट इम्पॉटेंट है आधार कार्ड लेके रखना ही चाहिए ठीक है तो सर्टिफिकेट आप लोग कॉलेज से मिल जाएगा कॉलेज को साइड फिलहाल छठ का छुट्टी चल रहा है इसके बाद जाना इसके बाद आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो ये डिटेल था मैंने आप लोग को दिखा दिया तो प्लीज़ यहाँ पर जो है मैंने जो बात बोला इसको यहाँ पर ध्यान रखना नहीं तो फिर दिक्कत होगा अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर रिजल्ट तो पता नहीं आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हो रिजल्ट तो आने दो अरे रिजल्ट आने दो तो रिजल्ट आप लोग पता ही कब रिजल्ट आएगा रिजल्ट दिसंबर के मंथ में आ जाएगा आप लोग का ठीक है रिजल्ट जो है दिसंबर के मंथ में आ जाएगा क्योंकि प्रोसेस फास्ट ही रहेगा क्योंकि काम यहाँ पर जो है अंदर से चल रहा होगा अभी सिर्फ यहाँ पर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर जो अपलोड नहीं हो रहा है तो अगर फास्ट होगा तो जल्द यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा इसीलिए बोल रहे हैं छठ के बाद आप लोग छुट्टी यहाँ पर ख़त्म होगा ये सब डॉक्यूमेंट तैयार कर रखना नहीं तो फिर आप लोग को खुद से वहाँ पर समझना ठीक है तो फिलहाल कोई भी अपडेट आप लोगों को लेडी सुपरवाइज़र के रिगार्डिंग यहाँ पर आंसर की हुआ फिर रिजल्ट हो कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट में आते मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि जो भी यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर के कैंडिडेट्स जिनका भी सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है वो यहाँ पर देख लेंगे चैनल यहाँ पर जो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू बैठ का थैंक यू